धार जिले के सागौर के नीलकंठ महादेव मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य एकात्मा महारुद्राभिषेक में सोमनाथ मठ पर 80 कुंडली यज्ञ हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य समृद्ध भारत समर्थ भारत के संकल्प के साथ शुरू हुए। इस अनुष्ठान में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह कार्यवाह विनीत नवाथे उपस्थित रहे। सभी जाति एवं वर्ग लोगों ने इस यज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही पूरे क्षेत्र में इस कार्यक्रम की सराहना हो रही है। आपको बता दें, यह कार्यक्रम सेवा भारती के प्रमुख नीलेश भारती कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं और यह कार्यक्रम अपने आप में समरसता का एक बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व आदिगुरु शंकराचार्य एकात्मता महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदू समाज के सभी जातियों ने एक साथ भेंट करके महारुद्राभिषेक किया और हम सब भारत माता के लाल भेदभाव का कहे सवाल इस ध्येय मंत्र को लेकर के समरस भारत समर्थ भारत इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज हमने रुद्राभिषेक किया है। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग कई स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहा है, समरसता और एकात्मता का कार्यक्रम मठ मंदिरों पर हो रहा है। कितने कुंडली यज्ञ है और कितने सालों से चला आ रहा है महारुद्राभिषेक का? यहाँ पर कई वर्षों से कार्यक्रम होते आ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का जो कार्यक्रम है ये तीसरे साल ये कार्यक्रम हो रहा है और अन्य स्थानों पे भी अलग अलग समय से कार्यक्रम हो रहे हैं और इसके माध्यम से संपूर्ण समाज ने एक साथ बैठ करके एक एकात्मता का संदेश दिया है। जी, आपका नाम और पद बताएं। नीलेश भारती, प्रदेश अध्यक्ष, 10 नाम गोस्वामी समाज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।